आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। 14.4 केजी गैस सिलेंडर runs for 104 hours when the smaller burner on the gas stove is fully opened while it runs for 80 hours. ठीक है, तो 114.4 केजी गैस सिलेंडर है जो 104 घंटे तक चलता है, जबकि जो छोटा बर्नर है वो गैस स्टोव का वो चलता है, इज फुली ओपेंड वाइल इट रन फॉर 80 घंटे के लिए चलता है। सो व्हेन द लार्जर बर्नर ऑन द गैस स्टोव, लार्जर बर्नर ऑन द गैस स्टोव इज फुली ओपेंड, ठीक है, विच ऑफ दिस वैल्यू इज द क्लोजेस्ट टू द परसेंटेज डिफरेंस इन द यूजेज ऑफ गैस पर आवर, मतलब एक घंटे में जो गैस का यूज करेंगे ऑफ द स्मॉलर बर्नर ओवर द लार्जर बर्नर, तो एक स्मॉलर बर्नर ओवर द लार्जर बर्नर जो डिफरेंस निकालेंगे, तो मतलब कौन सा डिफरेंस क्लोजेस्ट होगा, विच ऑफ दिस वैल्यूज इज द क्लोजेस्ट टू द परसेंटेज डिफरेंस इन द यूजेज ऑफ गैस पर आवर ऑफ द स्मॉलर बर्नर ओवर द लार्जर बर्नर, तो जो गैस का यूज कर रहे हैं स्मॉलर बर्नर कंपैरिजन में और लार्जर बर्नर की कंपैरिजन में हम कितना जो है कौन सा परसेंटेज क्लोज होगा। तो यहाँ पर हम क्या क्या करेंगे कि पहले हम ये निकाल लें कि कितना कंजम्पशन कर रहे हैं हम अगर हम जो है सिलेंडर यूज करते हैं, ठीक है, तो अगर हम सिलेंडर एक घंटे के लिए यूज करें तो कितना जो है कंजम्पशन करेंगे, तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि कंजम्पशन ऑफ गैस इन द स्मॉलर बर्नर इन वन आवर, स्मॉलर बर्नर से जो है हम एक घंटे में कितना कंजम्पशन करते हैं, बर्नर इन वन आवर एक घंटे में, ठीक है, तो टोटल कितना गैस है 14.4 केजी गैस है और इतना गैस है कितने घंटे तक चलता है 104 घंटे तक चलता है व्हेन द स्मॉलर बर्नर ऑन द गैस स्टोव, ठीक है, इज फुल्ली ओपेंड, तो सिलेंडर में जो है कौन सा है स्मॉलर बर्नर लगा हुआ है ऑन द गैस स्टोव इज फुल्ली ओपेंड, ठीक है, तो इसमें से हमने क्या करेंगे 104 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 104 घंटे लगता है और हम एक घंटे का फाइंड कर रहे हैं, जब डिवाइड कर देंगे तो ये आ क्या आ जाएगा कितना 9/65 केजी, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम अगर लार्जर बर्नर अगर यूज करें तो कितना हमको कंजम्पशन ऑफ गैस होता है एक घंटे में, तो हमें नोट कर लेंगे कि कंजम्पशन ऑफ गैस इन द लार्जर बर्नर इन वन आवर, एक घंटे में लार्जर बर्नर में कितना कंजम्पशन होता है, तो टोटल कितना था 14.4 था और ठीक है और कितना घंटे लगता है इसको 80 घंटे लगता है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9/50 केजी, तो एक घंटे में कितना कंजम्पशन होता है 9/65 का जब स्मॉलर बर्नर यूज कर रहे हैं और जब लार्जर यूज कर रहे हैं, तो 9/50 केजी हो रहा है एक घंटे में कंजम्पशन, तो यहाँ पर डिफरेंस निकाल लें कि कंजम्पशन में डिफरेंस कितना है, सो डिफरेंस इक्वल टू हमको इसी डिफरेंस का परसेंटेज निकालना है, तो 9/50 - 9/65 किया, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 50 और 65 का ये हो जाएगा 650, तो अब क्या करेंगे 50 से 650 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 13 बार, तो 39 जो कितना होता है 117, ठीक है, माइनस अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो जाएगा 10 टाइम्स जाएगा और 9 10 जो कितना होता है 90, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 27, तो 27/650 के जी क्या होगा इनका डिफरेंस हो गया दोनों का। अब क्या करना है हमको इसी का परसेंटेज निकालना है किसकी रिस्पेक्ट में, इसके दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में जो लार्जर बर्नर था, तो यहाँ पर नोट कर लेंगे कि रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल टू किसका निकालना है जो डिफरेंस आया 27/650 और किसकी रिस्पेक्ट में निकालना है जो लार्जर बर्नर था 9/50 में, और परसेंटेज निकालने इसलिए 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे और बाहर परसेंटेज का साइन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 27/650 × 50/9 × 100, ठीक है, तो 1 0 से 1 0 ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और हम 5 से कैंसिल कर लेंगे तो आ जाएगा 13 टाइम्स, ठीक है, और कुछ कैंसिल होगा इसमें 9 से कैंसिल होगा 3, सो आ जाएगा 300/13 आ जाएगा 300/13%, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 23.07%, तो यही हमको फाइंड करना था कि कितना जो है परसेंटेज होगा क्लोजेस्ट टू द परसेंटेज डिफरेंस इन द यूजेज ऑफ गैस पर आवर ऑफ द स्मॉलर बर्नर ओवर द लार्जर बर्नर, एक के ऊपर हम दूसरे का यूज करें एक की जगह पर, तो आंसर है हमारा 23.07, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।